हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया जाए कोडिंग का। इसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि भैया थोड़ा बताओ कि किस तरह से कोडिंग के लिए पढ़ाई किया जाए, किस तरह से कोडिंग किया जाए ताकि कोडिंग रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब मिल जाए। तो आज इसी के बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। तो कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखोगे तो ही समझोगे, नहीं देखोगे तो फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपको पूरे अच्छे से चीज़ों को बताऊंगा क्योंकि मैंने ये प्रोसेस को बहुत ही नज़दीक से देखा है। मेरे खुद के एक दोस्त का सॉफ्टवेयर फील्ड में हुआ है, उसका इंटरव्यू ऑलरेडी चैनल में पड़ा, आप जाके देख सकते हो। मैंने उसका इंटरव्यू लिया है और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वो वीडियो भी देख लेना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कोडिंग को किस तरह से करना है, किस तरह से कोडिंग को पढ़ना है, क्या क्या यूट्यूब में कौन कौन से ऐसे चैनल है जिसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो वीडियो, उसका क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हो ताकि आपका अच्छे से अच्छा कंपनी में हो जाए कोडिंग रिलेटेड। तो हम इसी के बारे में आज हम पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कर लो कि करना क्या है, आपको कौन से फील्ड में जाना है, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है या फिर आपको कोडिंग के फील्ड में जाना है। बिकॉज दो फील्ड होता है, देखो दोनों का अलग अलग कोडिंग सिस्टम होता है। जो वेब डेवलपमेंट होता है उसका जो कोडिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है। वेब डेवलपमेंट मतलब क्या, वेबसाइट का डेवलपमेंट, जो आप google.com हो गया या फिर facebook.com हो गया, ये सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसका कोडिंग एक अलग ढंग से होता है। और जो आपके ऐप्स हैं, जो आपके फ़ोन के अंदर में जो आप ऐप चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब का भी एक तो कोडिंग होता है, ये हम लोग बोलते हैं इसको ऐप्स, ठीक है, इसका भी एक कोडिंग होता है। तो दो तरह के कोडिंग होते हैं, ऐप डेवलपमेंट का एक कोडिंग होता है, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का एक अलग कोडिंग होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अपने माइंड को पहले बनाओ कि मुझे करना क्या है, मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे आज के टाइम में क्या ट्रेंडिंग है, जॉब के हिसाब से कौन सा करना बेहतर रहेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ऐप डेवलपमेंट। बिकॉज दुनिया में इतने सारे ऐप आने वाले, इतने सारे ऐप आ चुके हैं और इतने सारे ऐप आएंगे फ्यूचर में, कि ऐप डेवलपमेंट वाला कभी भूखा तो मरने से रहा, बहुत 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 ज़्यादा फायदा है। वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो आज के टाइम में वेबसाइट उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक वेबसाइट तो होता ही है, जितने भी कंपनीज है उनका वेबसाइट है। अगर आप भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको भी एक वेबसाइट तो बनाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है वेबसाइट, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज बस रजिस्टर अपने आप को करने के लिए वेबसाइट बनाते, तो वेबसाइट का काम भी कभी बंद नहीं होगा। वेबसाइट का एक बेनिफिट ये है कि एक वेबसाइट आपका जिंदगी भर, आपने अगर कोई वेबसाइट बनाया तो वो आपका हो जाता है, वहाँ आपको जिंदगी भर उसमें अपडेट करते रहना पड़ेगा, उसके बग्स खोजते रहने पड़ेंगे, तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का काम तो जिंदगी भर चलने लगेगा। तो दोनों ही फील्ड अपने आप में अच्छा है, तो आपको कौन सा करना है डिसाइड करो। अगर मुझसे पूछोगे यूट्यूब चैनल में कौन सा सजेस्ट करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको कोडिंग के लिए, सबसे पहले आपको कौन कौन से लैंग्वेज सीखने चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं पूछूं, आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा पाइथन सीखना तो अच्छा है, लेकिन सबसे पहला क्या सीखना जरूरी है वो है बाप। अगर आप पिताजी को अच्छे से स्टडी कर लोगे ना तो ही आप बच्चों को पढ़ पाओगे, ठीक है। जो आपका पाइथन है ये सब बच्चे हैं और इसके जो पिताजी है उन पिताजी का नाम है C++, तो C++ सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज C++ है कोर और पाइथन जो आपका है वो उसका जस्ट एक सब्सिक्वरी पाथ है। उसका मतलब क्या, पाइथन में प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू C++। बिकॉज C++ में आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, कॉमन लाइन्स क्या होती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। आपका पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, पाइथन में दो नंबर को ऐड करना है, 10+2 लिख दोगे तो 12 आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन C++ में आपको इनपुट देना है एक नंबर का, फिर आउटपुट देना उस नंबर का, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप सबसे पहले C++ अगर आप उसका लैंग्वेज सीख जाओगे ना तो आपको एक बेनिफिशियल रहेगा और कोई भी कंपनी में आप जाकर आराम से कॉम्पीट कर सकते हो। बिकॉज हर कंपनी पाइथन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन C++ एक ऐसा यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अगर आपको वो आता है तो आप कोई भी कंपनी में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। बिकॉज C++ सीख जाओगे ना उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लगेगा कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। और C++ आपका हर जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है जो आपका जॉब के लिए जरूरी है, वो सारे एग्जाम में आपका C++ लगता है। लेकिन पाइथन का वर्जन होता है अलग अलग, दो वर्जन होते हैं पाइथन का, कोई कंपनी पुराना वर्जन में काम कर रहा है, कोई कंपनी नया वर्जन में काम कर रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाता है इंटरव्यू के टाइम में और आपका जब एग्जाम लेते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो मेरे हिसाब से C++ सीख लो, बहुत ज्यादा काम में आएगा। सीखोगे कहां से, अपना कॉलेज बोल के एक अमन धरतवाल का चैनल है, वहां पर उसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। C++ का तो पूरा कोर्स पड़ा हुआ है फ्री में वो भी, और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा प्रोग्रामिंग उसमें दिया गया है। अगर आप वो वीडियो को पूरा देख लो, आई थिंक 100 वीडियोस है शायद, मेरे को ठीक से याद नहीं है, आप एक बार जाके चैनल में देख लेना उनका, उसमें पूरा वीडियोस उनका लगा हुआ है, तो आप वो वाला वीडियोस पूरा पढ़ लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जावा का भी है उनका, लेकिन जावा का पूरा कोर्स शायद अपलोडेड नहीं है, मेरे को C++ का पता है पूरा कोर्स अपलोडेड है। दूसरा बात मैं कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में। अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि वेब डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, कौन कौन से कोर्स आपको यूज करने हैं, तो वीडियो के लिए भी बने रहना, उसके बारे में अच्छे से आपको बता दूंगा। कोडिंग का मैंने आपको पूरा बता दिया, आने वाले समय मैंने कोडिंग का आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से आपको एग्जाम्स देने चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या क्या प्रोग्रामिंग आपको सीखनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए जो कि आपका हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी एज वेल एज आपका जॉब में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। बाकी आपको जो कमेंट में आपको जितने भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं एक और फ्रेश अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।